हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे यह है भारत की ताकत। चीन पहुंचते ही मालदीव के राष्ट्रपति की लगी क्लास। जी हां, ड्रैगन ने कहा इंडिया का करते हैं हम सम्मान, मुज्जू का बना दिया चीन में ही मुंह। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत की ताकत, साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति की हुई चीन में बहुत बड़ी बेइज्जती। जी हां दोस्तों, कभी सोचा भी नहीं होगा मुज्जू ने कि ऐसा हो जाएगा पहली बार उनके साथ। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारतीय सीमा के पास म्यांमार सेना ने विद्रोहियों पर की भीषण एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 17 की मौत, क्या भारत को भी खतरा। साथ ही साथ आपको बताएंगे इन मुस्लिम राष्ट्रों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। दोस्तों 160 देशों में दिखेंगी मंगला आरती उत्सव की झलक, बताएंगे पूरी दुनिया होने वाली है राममय। जी हां, इसी के साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चलो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ यह है ताकत भारत की। चीन पहुंचते ही मालदीव के राष्ट्रपति की लगी क्लास, ड्रैगन ने कहा इंडिया का करते हैं सम्मान। बता दें भारत के साथ विवादों के बीच चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति को चीनी मीडिया का भी सामना करना पड़ गया। जी हाँ, उनके दौरे पर चीन के सरकारी अखबार ने एक संपादकीय में मालदीव के साथ भारत के राजनयिक विवाद का जिक्र किया गया। इसके अलावा मीडिया में भारत को साउथ एशियाई मुद्दों के खुले दिमाग वाले नीति के साथ अमल करने की बात कही गई। मालूम हो कि देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन के प्रति काफी झुकाव वाले नेता माने जाते हैं। मालूम हो कि रविवार को मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया और इस मामले को उनकी व्यक्तिगत राय बताया है जो सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दोस्तों मुइजू चीन की यात्रा के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं। इसी दौरान चीनी सरकारी मीडिया में मालदीव के भारत संबंध के बारे में लेख छपी है। मीडिया ने लिखा कि चीन मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का सम्मान करता है। वो नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए माले के महत्व को पूरी तरह से जानता है। बीजिंग ने भी कभी भी माले को चीन और भारत के बीच संघर्ष के कारण नई दिल्ली से संबंध खराब करने की कोई शर्त नहीं रखी और ना ही कभी सलाह दी, ना ही वो मालदीव और भारत के बीच सहयोग को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। यानी कि दोस्तों चीनी मीडिया के लेख में क्लियर कहा गया है कि चीन भारत मालदीव और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग करने का भी इच्छुक है। यानी कि ड्रैगन ने जिस प्रकार से कहा है कि वो भारत का सम्मान करते हैं, जिसके बाद मुइजू अपने ही जाल में फंस गए। मुइजू को लगा था कि वो इस मुद्दे पर चीन का समर्थन हासिल कर पाएंगे, लेकिन चीन ने ये बात कह करके मुइजू का मुंह बना दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी जानकारी जो कोई नहीं बताएगा, दरअसल चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति, जैसे ही एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ कि चीन की तरफ से वहां पर कोई भी वरिष्ठ चीनी अधिकारी, कोई वरिष्ठ चीनी नेता उनका स्वागत तक करने नहीं आया। जी हां, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति का चीन में सबसे बड़ा अपमान हुआ है। दोस्तों इसको सबसे बड़ा अपमान के रूप में देखा जा रहा है। पहली बार मालदीव के बने राष्ट्रपति चीन पहुंचते हैं और वहां पर उनका कोई भी स्वागत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचते, ये सबसे बड़ी बेइज्जती मालदीव के राष्ट्रपति की होती नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू जिस प्रकार से चीन की ज्यादा से ज्यादा जी हजूरी करेंगे, उतना ही उनको चोट लगने वाला है और भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के मालदीव अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो कमेंट में दोस्तों मुइजू को एक सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ में मोदी है तो मुमकिन अवश्य कह दीजिएगा और सामने लाइक का बटन है प्लीज दबा दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी ने शेख हसीना को किया फोन, बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दे दी बधाई। बता दे बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद शेख हसीना 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। पीएम के तौर पर यह उनका लगातार 4था टर्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शेख हसीना से फोन पर बातचीत की और उन्हें चुनावी जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनाव में लगातार 4थी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में अपनी पार्टी आवामी लीग की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त। उन्होंने 1971 और 1975 में हमारा समर्थन किया था। हम भारत को अपना पड़ोसी मानते हैं। मैं वास्तव में इस बात की सराहना करती हूँ कि भारत
भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध हैं। उन्होंने और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को भविष्य में और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराया। शेख हसीना ने 2041 तक बांग्लादेश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का अपना विजन भी मीडिया के सामने रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी शेख हसीना जी को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ भारतीय सीमा के पास म्यांमार सेना ने विद्रोहियों पर की भीषण एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में 17 की हुई मौत। बता दें, म्यांमार में सेना के खिलाफ नागरिकों का विद्रोह बढ़ता जा रहा है और गृह युद्ध में हार रही सेना अपने ही देश के लोगों पर भीषण बमबारी कर रही है। ऐसा ही एक एयर स्ट्राइक भारतीय सीमा के पास भी किया गया है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लोकतंत्र समर्थक प्रतिरोध के नियंत्रण वाले एक गांव पर सत्तारूढ़ सेना के हवाई हमलों में कम से कम 17 नागरिकों की मौत हो गई है और 9 बच्चों सहित 20 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय निवासी और एक मानवाधिकार समूह ने मारे गए लोगों की पुष्टि की है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो रही जमीन की बात। इधर आपको बता दें, म्यांमार के बंदरगाह ने कैसे बढ़ाई भारत की टेंशन। परमाणु पनडुब्बियों को है सबसे ज्यादा खतरा। दरअसल चीन ने भारत को घेरने की कोशिशों के तहत म्यांमार के कियाउ उफ्यू बंदरगाह पर निर्माण को तेज कर दिया है। ये बंदरगाह म्यांमार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो भारत के करीब कहें तो बहुत ज्यादा करीब है। चीन इस बंदरगाह को इस तरीके से, इस ढंग से विकसित कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल सैन्य हितों को पूरा करने के लिए किया जा सके। म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार ने चीन को इस बंदरगाह को विकसित करने की पूरी छूट भी दे रखी है। इसके बदले चीन दुनिया के हर मंच पर म्यांमार की सैन्य तानाशाह सरकार का बचाव कर रहा है। म्यांमार में स्थित कियाउ कफ्यू बंदरगाह इस क्षेत्र में स्थित उन कई बंदरगाहों में शामिल है जिनका संचालन चीन के हाथों में है। इनमें कंबोडिया में रीम नौसैनिक अड्डा, श्रीलंका में हम्बन टोटा और पाकिस्तान में ग्वादर के अलावा जिबूती में एक नौसैनिक स्टेशन भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिली एनसीसी की 4 और इकाइयां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। बता दे, केंद्र शासित प्रदेश बोले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की 4 और इकाइयां मिलेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोमवार को एनसीसी इकाइयां बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमोदन में उधमपुर, कुपवाड़ा और कारगिल में एक एक मिश्रित लड़के और लड़कियां सेना बटालियन और उधमपुर जम्मू कश्मीर में एक एयर स्क्वाड्रॉन शामिल। अगली खबर बता दें, इन मुस्लिम राष्ट्रों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 160 देशों में दिखेंगी मंगला आरती और उत्सव की झलक। बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है, आप सभी जानते ही हैं। इस आयोजन को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्सव का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया के साथ साथ दुनिया के 160 देशों में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे कई देशों में मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन, शोभा यात्रा और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। दुनिया के 160 देश ऐसे देश हैं जहां हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, और इन मामलों में टाइम जोन का ध्यान रखा जाएगा ताकि एक ऐसा टाइम हो जो सबके हिसाब से अनुकूल हो, जी हां किसी को भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इतना ही नहीं, बता दें कि 400 से भी ज्यादा कारें शामिल होंगी कैलिफोर्निया में विशाल रैली के आयोजन में। जी हां, ऐसे में आपका जय श्री राम कहना तो बनता ही है दोस्तों। और कौन कौन ऐसे हैं लोग जो 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अयोध्या के राम मंदिर पर उगला जहर, भारतीय मुसलमानों को भड़काया। जी हां, खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धमकी दी है। उसने भारतीय मुसलमानों को भड़काते हुए राम मंदिर उद्घाटन समारोह का विरोध करने का आह्वान भी किया। अपनी धमकियों में उसने धमकी ना कहकर, दोस्तों हम उसको गिदड़ भभकी ही कहेंगे, उसने अपनी धमकी में गिदड़ भभकी में राम मंदिर के खिलाफ जमकर जहर भी उगला। अपने नए वीडियो में पन्नू ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद करने का भी आह्वान किया। गुरुपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सरगना है, जो दुनिया भर में खालिस्तान के लिए तथा कथित जनमत संग्रह कराता रहता है। उसके पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता भी है। जी हां दोस्तों, वैसे में उसने वीडियो संदेश में कहा कि अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डे बंद, अब समय आ गया है मुसलमानों, तुम भारत से एक देश उर्दूस्तान बनाओ। उसने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरी दुनिया में परिणाम देखने को मिलेगा। उसने मुसलमानों से इसका विरोध करने का भी आह्वान किया। पन्नू ने कहा कि यह मंदिर बाबरी मस्जिद पर बनाया गया है। पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जहर उगला है, उसने मुसलमानों के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, वैसे में अगर आप भी मानते कि पन्नू इतनी जुरत इसीलिए कर पाता है क्योंकि कनाडा जैसे देश में उसको सुरक्षा मिली हुई है, इतनी बात वो भारत में रहकर अगर करता तो कब का उस पर कोई बड़ा एक्शन हो चुका होता। बहरहाल हमारा सवाल दोस्तों कनाडा
की सरकार से यही है कि उनको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यह पन्नू भारत और भारत के समुदायों को धमका रहा है, उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इससे क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि कितना बड़ा सपोर्ट कनाडा की सरकार पन्नू का करती है, और सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं पन्नू का खुलकर समर्थन करता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव विवाद में भारत के लिए आगे आया इजराइल, लक्षद्वीप पर कर दी बहुत बड़ी घोषणा। बता दें इस पूरे विवाद में चीन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हमास के साथ जंग लड़ रहे इजराइल ने भारत का समर्थन कर दिया है दोस्तों। इजराइल ने भारत को अपना समर्थन दे दिया है। मालदीव विवाद पर इजराइल भारत के लिए आगे आया है। नई दिल्ली में इजरायली राजदूत ने घोषणा की है कि वो लक्षद्वीप में 9 जनवरी से डीसेलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, ताकि भारतीय द्वीप समूह में पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि दोस्तों इजराइल ने घोषणा की है कि वो मंगलवार को यानी आज से लक्षद्वीप में डीसेलिनेशन प्रोग्राम बोले तो अलवनीकरण कार्यक्रम शुरू करेगा, यानी कि वहां के खारे पानी को मीठा करेगा दोस्तों, फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे कि वहां पर आगंतुक आ सके, पर्यटन आ सके, टूरिस्टर आ सके और भारत के लक्षद्वीप की वैल्यूज बढ़े। जी हाँ दोस्तों, और ये फैसला इजराइल ने ऐसे समय पर लिया है जिस समय मालदीप के साथ तूतू मैमे का विवाद चल रहा है, और ऐसे में इजराइल का खुला भारत को समर्थन दिखाना कहीं ना कहीं मालदीप को तगड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू जी को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भारत में करा रहा था घुसपैठ इनामी एनजीओ संचालक अबू साले उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार। बता दे उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। एटीएस की टीम ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले एनजीओ संचालक को लखनऊ से धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी अबू साले मंडल के रूप में हुई है। 50 वर्षीय अबू साले पर एटीएस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। अबू साले ने देवबंद के दारुल उलूम मदरसा से मौलाना की पढ़ाई की है। एटीएस ने आरोपी के पास से 1,00,000 से ज्यादा की नगदी, 2 मोबाइल बरामद किए हैं। यूपी एटीएस को बीते काफी दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोगों ने सिंडिकेट बनाकर अवैध घुसपैठियों को फर्जी भारतीय दस्तावेज के सहारे भारत में ठहराने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मतलब पाकिस्तान में सब पहले से ही सेट है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद हटा दी नवाज शरीफ के रास्ते की आखिरी कील। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने को सुप्रीम कोर्ट की मिल गई है मंजूरी। आजीवन अयोग्यता खत्म कर दिया गया है। जेल में वाकई में मायूस हो जाएंगे इमरान खान। बता दें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत सांसदों के लिए आजीवन अयोग्यता को समाप्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने समीउल्लाह बलूच मामले में अपने 2018 के फैसले को खारिज कर दिया, जब उसने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत दी गई अयोग्यता को अस्थायी माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने को मंजूरी मिल गई। नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकारी पद को धारण करने से आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया था, तो वहीं इमरान खान का पर्चा खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। वो लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में बंद है। अब कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए बड़ी ही मायूसी की खबर है। जब नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान को जेल में पता चलेगा, आप समझ सकते हैं उन पर क्या बीतेगी। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत होगी कम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले फारूक अब्दुल्ला ने दिए ऐसे बयान। बता दें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो गया है। कई नेतागण भगवान राम जी के प्रति अपना अगाध प्रेम और आस्था जाहिर कर रहे हैं। इस क्रम में विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बोले तो फारूक अब्दुल्ला ने भी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमेशा भगवान राम जी की दिल से प्रशंसा की है। राम मंदिर में उद्घाटन समारोह के लिए अयोध्या जाने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कौन जाता है या नहीं उनकी पसंद है। मुझे उम्मीद है कि मंदिर के दरवाजे खुलने के साथ ही लोगों के दिल भी खुलेंगे और मुसलमानों के खिलाफ फैली नफरत खत्म हो जाएगी। ये मेरी प्रार्थना है और प्रभु मेरी आवाज सुनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने जम्मू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा कि वो भगवान राम के बारे में अपनी टिप्पणी पर आलोचना या वोट खोने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि राम उतने ही मेरे हैं जितने आपके हैं। मैंने एक पाकिस्तानी विद्वान द्वारा पवित्र कुरान का अनुवाद पढ़ा है और उन्होंने राम के बारे में भी बात की और कहा कि वो चाहते थे कि सभी लोग भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़े। ये बोल है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला के। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें, जहां पर मणिपुर में भीषण गोलीबारी। एन बीरेन सिंह का बड़ा
बड़ा दावा कहा सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हो रहा है एनकाउंटर। जातीय हिंसा लेकिन कम हुई है। जी हां, मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। सोमवार को सीमावर्ती शहर मोरे में विद्रोहियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच भीषण गोलीबारी हुई। रविवार की रात से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही थी। दिन भर काफी अधिक गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने का कोई आंकड़ा सामने नहीं आ सका। तो उधर स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए मोरे क्षेत्र में अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया है कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा उग्रवादी और सुरक्षा बलों के बीच हमलों तक सिमट गई है। उन्होंने कहा कि दो समुदायों के बीच तनाव कम हुआ है, लेकिन अब उग्रवादियों ने हिंसा करना शुरू कर दिया है, वो सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में पोलियो कार्यक्रम टीम को निशाना बनाकर बम ब्लास्ट, 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत, 22 हुए घायल। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक पुलिस वाहन के पास बम विस्फोट में पोलियो टीकाकरण टीमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात कम से कम 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, जबकि 22 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। जियो न्यूज के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मृतकों और घायलों को खार अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पूरे क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। मलकंद डिवीजन के कमिश्नर साकिब रजा ने डॉन को बताया कि परिणाम स्वरूप क्षेत्र में चल रहे पोलियो अभियान को सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर बता दें, आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट पर स्वीडन, कहा हमें इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश किया गया। जी हां, यूरोपीय देश स्वीडन में बीते साल कुरान जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसकी वजह से दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन का विरोध किया था। इसी बीच स्वीडिश सिक्योरिटी पुलिस ने रविवार बोले तो 7 जनवरी को जानकारी दी कि देश में आतंकी हमले का खतरा बरकरार है। स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस ने एक बयान में कहा कि नॉर्डिक देश के खिलाफ आतंकवादी खतरे को लेकर अलग अलग लेवल 4 डिग्री है। इस बार यह लेवल 5 डिग्री के पैमाने पर दर्ज किया गया है। नॉर्डिक देश स्वीडन में आतंकवादी खतरे का स्तर पिछले साल से बढ़ाया गया है, जिसके पीछे की मुख्य वजह इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान के अपमान को बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां कच्चे तेल को लेकर आई बड़ी खबर, भारत को इस जगह पर मिले 26 कुएं, उत्पादन हुआ शुरू। दरअसल ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन बोले तो ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुप्रतीक्षित प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी को अपनी इस प्रमुख परियोजना से उत्पादन शुरू करने में काफी देरी हुई है। कंपनी ने कहा कि इससे उसे कई साल के उत्पादन में गिरावट के रुख को पलटने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बयान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में गहरे पानी के KG DWUN 98/2 ब्लॉक से पहला तेल 7 जनवरी को निकला है। कंपनी ने कहा है कि वो धीरे धीरे यहां से उत्पादन बढ़ाएगी। बता दें कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के 26 कुएं मिले हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस ब्लॉक से उत्पादन शुरू होने की घोषणा भी की है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल का हिजबुल्ला पर बड़ा हमला, एलीट कमांडो फोर्स के कमांडर को मार गिराया। जी हां, इजराइल ने लेबनान के हमले के बाद जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल हमले में हिजबुल्ला के स्पेशल कमांडो यूनिट राडवान फोर्स के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई। लेबनान की सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने मारे गए कमांडर की पहचान राडवान फोर्स की एक यूनिट के डिप्टी चीफ विसम अल तवील के रूप में किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अन्य हिजबुल्ला लड़ाका उस समय मारा गया जब लेबनानी गांव मजदम सेल्म पर हमले के दौरान उसकी कार एक बैरियर से टकरा गई। सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि इजराइल का हमला बहुत दर्दनाक था, ऐसे में दोनों के बीच तनाव और ज्यादा भड़काने का अंदेशा है। अगली खबर बता दें, जहां पर रूसी राजदूत का बयान, कहा भारत चीन संबंध सामान्य होने की आशा, सुरक्षा का मुद्दा यूरेशिया के लिए भी अहम है। जी हां, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल के एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और राजनीतिक हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एशिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाने वाली भारत और चीन के आपसी संबंध जल्द सामान्य होंगे, रशिया इसको लेकर आशान्वित है। उन्होंने यूरेशिया में सुरक्षा और चीन को लेकर पश्चिमी देशों की तरफ से होने वाली बयानबाजी को लेकर भी टिप्पणी की है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आप सभी से एक सवाल है दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है? अगर पता है दोस्तों तो कमेंट में उस देश का नाम लिखकर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सस्पेंस, मणिपुर सरकार ने नहीं दी रैली की इजाजत। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 जनवरी को मणिपुर के जिस ग्राउंड से यह यात्रा शुरू होनी है उसके लिए मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। अब इस मामले में कांग्रेसी सांसद KC वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक प्रयास नहीं है और यात्रा का राजनीतिकरण ना करें। दरअसल AIECC महासचिव KC वेणुगोपाल सोमवार को इम्फाल पहुंचे हैं।
जहां से वो एआईसीसी मणिपुर प्रभारी गिरीश चोदनकर के नेतृत्व में एक टीम एमपीसीसी अध्यक्ष के मेघ चंद्र, सीएलपी नेता ओ इबोबी, सीडब्ल्यूसी सदस्य गो खाम, अन्य नेताओं के साथ मैदान की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए हफ्ता कांगजी बुंग का दौरा करने पहुंचे थे। अगली खबर बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने अचानक क्यों पहुंच गए सीएम मोहन यादव जी। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने अचानक मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इस मुलाकात को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिष्टाचार भेंट बताया है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आज निवास पर शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश की प्रगति एवं जन कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा था कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य भी जारी रहेंगे और इसको लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अवध की गंगा जमुनी तहजीब भाईचारे का मुस्लिम संगठन ने किया जिक्र, लिया बड़ा फैसला। बता दे, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार अपने अपने स्तर से तैयारियों को अमली जामा में पहनाने में जुटे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के जाने माने नेताओं को न्योता भेजा गया है। वहीं सद्भावना बनाए रखने के लिए लखनऊ में मीट की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संगठन ने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर जानकारी दी है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के संगठन ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि हम सभी लोग अवध वासी हैं। अवध क्षेत्र अयोध्या राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सद्भावना बनाए रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को बिल्लोचपुरा सदर कैंट फतेहपुर लाटूश रोड लखनऊ के सभी मीट व्यवसायी अपना कारोबार बंद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मुस्लिम समुदाय ने दोस्तों यह खुद पत्र लिखकर ब्रजेश पाठक जी को यानी उप मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि हम उस दिन मीट की सारी दुकानें बंद रखेंगे। ऐसे में वाकई में ये एक तरीके से उनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। जिस प्रकार से वो भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है और साथ ही साथ जय श्री राम कमेंट में जरूर कहिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंची जटायु की मूर्ति, पीएम मोदी के पूजन वंदन के बाद मंदिर परिसर में इसको कर दिया जाएगा स्थापित। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अब कुछ ही दिन शेष रह चुका है। जगह जगहों पर राम नाम का जप हो रहा है। गाँव गाँव गली मोहल्लों में अक्षत निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। तो वहीं अयोध्या से सोमवार जटायु की मूर्ति पहुंची है। जटायु की मूर्ति को राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। एनसीआर के शहर गाजियाबाद में मूर्तिकार अनिल सुतार ने जटायु की भारी मूर्ति को 3 महीने की मशक्कत के बाद बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।